आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अभी मेरे माइंड में एक थॉट आई क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने वाला था, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और वीडियो क्यों मैंने अभी अर्जेंट बना रहा हूँ, वरना मैं फेस वीडियो बनाता, बट अगर मैं फिर से भूल गया तो ये चीज़ मिस हो जाएगी, फिर आप लोग मेरी बात पर बिलीव नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि बहुत से क्रिएटर्स के माइंड में, वैसे तो मेरे चैनल पर सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जो मैं अलग कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड बनाता हूँ, बट फिर भी मैं कुछ क्रिएटिंग वीडियो बना देता हूँ जो क्रिएटर्स की हेल्प कर सकें। तो ये वीडियो मैं क्रिएटर्स के लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूब से रिलेट करते हैं, जिनके चैनल्स वगैरह हैं और जिनके माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है या फिर चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट है तो उसके बाद में क्या चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा ये चीज़ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी है और मेरे चैनल पर रीयूज कंटेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट जो मेरा है, ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया 24 जनवरी 2019 का है। इस स्क्रीनशॉट में अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, ठीक है, साइड में मैं दिखा भी दूंगा आपको, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे को मेरी जो वीडियो थी हाउ टू वॉच बैंड वेबसाइट, ठीक है, पॉन बैन इन इंडिया, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये चीज़ बताया था कि उसके थ्रू आप जो साइट ब्लॉक्स होती हैं उनको आप कैसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी वीडियो थी इसके ऊपर देखिए गाइड कम्युनिटी गाइडलाइंस मेरे को मिली है, वीडियो को मेरी वीडियो को डिलीट किया गया और मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस दी गई। इसमें सब कुछ लिखा हुआ अगर आप पढ़ें, ठीक है, जिसमें मेरा उस वीडियो को डिलीट करने के बाद मेरा चैनल पे 3 मंथ के लिए स्ट्राइक डाल दी, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर 3 मंथ में 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो चैनल बंद हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की मेरे को स्ट्राइक मिली, ठीक है। तो अभी आज क्या डेट है, आज तारीख हो गई है आपकी, आज 23 अप्रैल आपकी हो चुकी है, तो वो जो मेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है वो 3 महीने बाद हटनी थी, वो 25 तारीख का लास्ट टाइम था, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सीधा यूसी ब्राउज़र अपना खोल के, सीधा क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो स्ट्राइक मेरी अभी भी चैनल पे है और उसके बाद भी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट स्लो है, ऐड आ रही है, अभी खुल जाएगा। ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, सो सीधा आपका यूट्यूब ही मेरा खुलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्रोम पे, मतलब यूसी पे खोल के दिखा दी सारी मेरी वीडियोज़, इनको हटाते हैं हम सीधा काम पे, के मैं चैनल के अंदर जाऊँगा, ठीक है। चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे साफ साफ ब्रदर्स देख सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे को नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मेरे को पड़ी हुई है। और कब हटेगी, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि 24 अप्रैल को ये हटेगी, एक्सपायर डेट जो 24 अप्रैल यानी कि कल हटेगी। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्ट्राइक है और इसके अंदर ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि अगर 3 महीने में 3 स्ट्राइक आ जाती है तो मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा, मेरा चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दी कि हाँ मेरे चैनल पर स्ट्राइक है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक था उसका भी चैनल मोनेटाइज होता। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ का डाउट है कि अगर मेरे चैनल पर स्ट्राइक है तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि हाँ, अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक है तो उसके बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और इसका प्रूफ है आपके साइड में, आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन इनेबल्ड साफ लिखा हुआ, आपको ग्रीन दिख रहा है मेरा, ठीक है। और अगर इससे भी आपको बिलीव नहीं आता है तो अभी मैं आपको वीडियोस में दिखा देता हूँ, डॉलर का साइन सब में बन रहा होगा। तो आप अगर यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको इतना पता है कि अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो सब पे डॉलर का साइन बन के आता है, ठीक है। तो ये वीडियोस में मेरे डॉलर का साइन बन के आ रहा है, तो यानी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ, अगर चैनल पे स्ट्राइक है, कोई भी स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है या कॉपीराइट स्ट्राइक है, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज होता है, आपको आंसर मिल गया। दूसरी चीज़ है कि लोग कहते थे, काफ़ी क्रिएटर्स कहते हैं कि हाँ, अगर कॉपीराइट रीयूज कंटेंट है तो आपके चैनल पे अगर मोनेटाइज ऑलरेडी हो रखा तो वो भी हटा दिया जाएगा, कि अगर आपका पुराना चैनल है और मोनेटाइज है ना, आपने रीयूज कंटेंट डाला तो भी आपका डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी चैनल की स्टार्टिंग ही जो हुई थी वो रीयूज कंटेंट से हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि मेरे इस चैनल की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो फर्स्ट टाइम जो मैंने इस चैनल पे वीडियो डाली थी, कोई भी चैनल का मेरा पर्पस ये नहीं था कि हाँ मेरे को चैनल को यहाँ तक लेकर के आना है, बस ऐसे ही मैंने 2-3 साल पहले, काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे ही मैंने अपने ही वर्क से रिलेटेड एक वीडियो जो थी ऑलरेडी किसी और की, बस वो मैंने सेम एज इट इज़ उठा के इस पर डाल दी थी। अब आपको दिख रहा है कि इंक्लूडेड कॉपीराइट कंटेंट है, मतलब ये रीयूज कंटेंट है, किसी और का कंटेंट मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाती है कि अगर आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बस डिपेंड, मेरे को ये लगता है, देखिए मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे को क्या लगती है कि हाँ, कम्युनिटी का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, मेरे को क्या लगता है कि मैं मेरी बात पर भी आप बिलीव मत करें कि मैं सही हूँ कि नहीं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरे को अभी तक यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से फ़र्क तब पड़ता है कि जब आप सिर्फ
इसी को बेस बना के चल रहे हैं। सपोज दैट जैसे कि YouTube के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है कि अगर आप रीयूज कंटेंट डालते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगी, चाहे उसका ऑनर आपको दे चाहे ना दे, ठीक है। और आप बार बार ये चीज़ करते हैं, आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर सकते हैं। YouTube के एल्गोरिदम में ये चीज़ है, बट मेरे चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पे रीयूज कंटेंट आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट है, ठीक है, कहाँ गई वो वीडियो, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं लाइफ मोटिवेशन, ये भी एक एनिमेशन शॉर्ट स्टोरी है मोटिवेशनल, ये भी और किसी की वीडियो है, बस मैंने सेम एज इट इज उठा के डाल रखी है, मैंने इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने रीयूज कंटेंट भी मैंने डाला हुआ, उसके बाद भी मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी कि अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट है तब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मेरे को ये लगता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, अगर आप इस चीज़ को बेस बना लेते हैं कि आप डिपेंड ही रीयूज कंटेंट पे, आप डिपेंड ही इस चीज़ पे कि हाँ अगर आप किसी और का कंटेंट डालेंगे तो ही आपको चैनल पे व्यू मिलेगा और तो ही आप चैनल चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेस ही आपका वही है तब आपको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करने वाला, कि अगर आपका काम ही सिर्फ ये दूसरे का कंटेंट उठा के व्यू लेने, अपने चैनल को प्रमोट करना, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बट आपका मेनली कंटेंट अगर आपका है, आपने सिर्फ ऐसे ही बस नॉर्मली अगर कोई कंटेंट उठा के बस डाल दिया है या फिर जो भी है, तो यूट्यूब आपको उस तरीके से एक्शन नहीं लेगा। बट आपका काम डेली का यही है कि आप किसी और का कंटेंट उठा के अपनी वीडियोस में डाल रहे हैं, अपने चैनल पे डाल रहे हैं, बार बार आप वही चीज़ कर रहे हैं, तो शायद यूट्यूब आपको पनिशमेंट देगा, आपका चैनल बंद कर सकता है, आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से सीन देखे हैं मैंने, बहुत सी वीडियोस देखी हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ों में प्रूफ दिखा दिया कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट कंटेंट भी है, मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी है, देन उसके बाद भी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मेरा चैनल रातों रात मोनेटाइज हुआ है। कैसे हुआ मैंने वीडियो बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप सारे क्रिएटर्स हैं, जितना हो सके अपना दीजिए यूट्यूब के ऊपर, मतलब लोगों की चीज़ें उठा के नहीं, आपका अपना पर्सनल जो टैलेंट है ना उसको निकाल के आप यूट्यूब के सामने रखिए, आपको यूट्यूब सपोर्ट करेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, यूट्यूब आपको सपोर्ट करेगा, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अपना कंटेंट यूट्यूब पर डालेंगे और फ्रेश कंटेंट आप डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके माइंड में जो भी क्रिएटर्स के डाउट थे कि हाँ जी ऐसे होता है कि नहीं होता, वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। कॉपीराइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी स्ट्राइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सही हैं अपनी जगह, आप सही चीज़ें बना रहे हैं, आप सही चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर टेक्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा जितना मेरे को एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, जितने भी क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।